आप लोग नमक से परिचित है, क्योंकि नमक का जो है हर दिन प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। घर में अनेक तरह के व्यंजन बनते हैं, उसमें नमक का काम आते हैं। बिना नमक के जो है ना भोजन का स्वाद क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। इसलिए नमक जो है ना बहुत ही जरूरी पदार्थ है। लेकिन जो नमक हम खाते हैं वो आते कहाँ से है? तो नमक जो हम खाते हैं वो तो बनता होगा ना कहीं, ऐसा नहीं है कि उसको मिट्टी से निकाले जाते हैं। यानी नमक कहाँ बनता है और किस तरीके से बनता है, ये हम आप लोगों को आज दिखाएंगे। तो देखिए, इसके लिए जो है समंदर के पास आप लोगों को जो है ना चलना होगा, या आप नहीं जाएंगे ना तो थोड़ा यही से आप देख लीजिए कि समंदर कैसे होते हैं और समंदर से नमक कैसे तैयार किया जाता है, वो आज हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो देखिए, नमक बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, समंदर के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसको अपने भाषा में तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाब। और बिहार में उसको पोखरिया भी कहा जाता है, समझ गए ना। तो तालाब, तो यदि तालाब बनाया जाता है समंदर के किनारे, और क्या किया जाता है, तो समंदर के पानी को जो है ना उस तालाब में भरा जाता है। और समुद्र के पानी को उसलिए तालाब में भरा जाता है कि समुद्र का पानी खारा होते हैं। क्या होते हैं? खारा। खारा का मतलब हो गया कि नमकीन, उसमें लवण की मात्रा विद्यमान है। किसमें? समुद्र के पानी में, जो आप ये देख सकते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, तो भर करके जब गड्ढे में भर लिया जाता है, तालाब में भर लिया जाता है पानी, तो यहाँ पर जो है ना उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वो सूखते हैं 3 से 8 दिन उसको लग जाते हैं सूखने में, 3 से 8 दिन उसको सूखने में लग जाते हैं। और जब वो सूखते कैसे है, देखिए, तो तालाब में जब पानी को भरा जाता है तो ये तेज धूप के कारण क्या होते हैं, पूरे वाष्पित होते हैं। पानी वाष्प बन के जो है ऊपर चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। वाष्प उड़ गया तो उसमें बच जाते हैं नमक की मात्रा, और नमक यानी कहते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये जो है ना मिट्टी बालू के साथ जो है ना ये मिक्सिंग रहता है, क्योंकि उड़ा रहता है, इसमें पूरे बालू भरा रहता है। तो फिर से उसको क्या किया जाता है, मशीन के द्वारा उसको उठा करके दूसरे जगह ले जा करके उसको साफ किया जाता है। सफाई करके उसमें केमिकल मिला करके जो है ना, और उसको जो है ना पैकेट में बंद करके बाजार में भेज दिया जाता है। उसको अपने लोग जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसी को सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं, सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन, समझ गए। तो इस तरीके से जो है नमक का खेती किया जाता है समंदर के किनारे। यानी सिर्फ समंदर के पानी से ही जो है ना नमक बनाया जाता है, यहाँ पर नमक का खेती होता है। तो जब आप लोगों को कभी मौका मिलेगा ना, तो एक बार जो है समुद्र के किनारे जाकर के आप देख सकते हैं, या समुद्र के पानी को देख सकते हैं, ये कैसे नमकीन होते हैं, समझिए। तब तक जो है आप नहीं गए हैं तब तक वीडियो के माध्यम से ही देखिए, और देखिए कैसे नमक तैयार होता है। अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।